लास्ट क्लास में डाउट तो नहीं है? सर टू तो कल से एक क्वेश्चन कराया था यार, ऐसे जो दिया था उसमें पूछ रहे हो? कौन सा क्वेश्चन दिया था कल? जो दो दिए क्वेश्चन वन में दूसरा देखा ना, खुद नहीं करना, मेरे से करवाना। क्या है उसमें? 2x प्लस 3y को वो t मानो, सेकंड वाला बता तो दिया था यार, 2x प्लस 3y को t मान लो, वहां से बन जाएगा वो, सिंपल कैलकुलेशन है, करो तो सही। चलो मैं बता, ये लो, होमोजेनियस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? होमोजेनियस में बताओ, नहीं है तो चलो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ। आया वो तो क्या dx by x है, ये cot u और du है, दोनों इंटीग्रेट कर दो। cot का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot का इंटीग्रेशन ln of sin u, और ये ln x प्लस सी, एल एन ऑफ साइन यू बनेगा साइन वाई बाई एक्स माइनस एल एन एक्स हो गया। सी निकाल सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू 5/2, ये गिवन है, तो वहां से सी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू 5/2 है, वैल्यू डालो, x वन डालोगे y तो ये हो जाएगा ln tan 5/2 इक्वल टू c, तो ln 5/2 कितना, sin 5/2 वन होता है, ln वन जीरो होता है, तो यहाँ c कितना आ गया, जीरो आ गया, c तो जीरो आ गया, निकाल जाएगा ln sin y by x upon x इक्वल टू जीरो। वो तो क्या, अरे सर
यहां से क्या एल एन हटा दो तो साइन वाई बाई एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू वन, साइन वाई बाई एक्स साइड से नहीं दिख रहा हाँ थर्ड हो गया ना।
देखो इसमें x से डिवाइड कर दो पहले पूरे इक्वेशन में, तो cos y by x dy by dx y by x yeah. अब देखो पूरा वही क्वेश्चन ही है, सब में y by x रिपीट हो रहा है, अगर चाहो तो cos को भी डिवाइड कर दो, तो यार एक cos u बन जाएगा, ये u plus x into du by dx equal to u cos u plus what, तो सेम इस स्टेप पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे y equal to u x, तो y equal to u x मानो सब्स्टिट्यूट करो सोल्व करो तो फिर cos u को डिवाइड कर दो, तो u u plus sec u अरे तो वाई को चेंज करना पड़ेगा, वाई थोड़ा तुम वाई को वाई रहने दिए, देख वाई बड़ा हो ठीक है, पूरे इक्वेशन को वाई को रिप्लेस कर देंगे ना हम लोग, और तुमने वाई छोड़ दिया ऐसे, अब देखो ना वाई बाय एक्स यहाँ भी है, वाई बाय एक्स यहाँ भी है, यहाँ अकेला एक्स है, अकेला वाई है, अकेला एक्स है, तो वाई से एक्स से डिवाइड कर दे, तो एक्स से डिवाइड कर दे पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई बाय एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अब एकदम से वाई बाई एक्स छोड़ दिया होगा भाई, कुछ तो हमें मैनिपुलेट भी तो करना पड़ेगा, वाई ऑलरेडी है तो कैसे होगा, वाई को जब तक रिप्लेस नहीं करोगे तब तक, वाई जब तक है तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा, नहीं तो वाई है तो नहीं हो सकता ना, हमें तो वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा ना, पहले वाई के रेस्पेक्ट में था अब हमें ई के रेस्पेक्ट करना पड़ेगा ना, पहले वाई का एक्स डिफरेंशियल था, अब पूरा u by x डिफरेंशियल होगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा उसको, तो हो गया ना, तो अब तो सिंपल आ गया भाई, x du by dx ये u से u गया sec u, अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, cos u du equal to dx by x, इधर sec था इसको इधर डिवाइड कर दो, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 1 by cos 1 by sec cos बन जाएगा, तो यहां से यहां वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, u वाले के साथ du और x वाले के साथ dx, अब ये क्या जाएगा sin u ln x plus c, हो गया, हो गया
कोई डाउट तो नहीं है तुम लोगों को? चलो चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म। सर इंटीग्रेशन के ले लें कभी किसी दिन। ठीक, जैसे लास्ट क्लास में हमने करा था एक कौन सा फॉर्म था, वेरिएबल सेपरेबल। लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल सेपरेबल किया था, उसमें एक था रिड्यूसिबल टू। उसी टाइप का ये भी है कि जैसे ये सारे जो क्वेश्चन जो किया हमने वो डायरेक्टली होमोजेनियस फॉर्म में था। ठीक है, अब हमें करना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हो कि जो डायरेक्ट होमोजेनियस में ना हो, उसको होमोजेनियस में कन्वर्ट करना पड़े। वो ये रिड्यूसिबल टू, यानी होमोजेनियस फॉर्म में हमें उसको रिड्यूस करना है। अब देखो, कौन से फॉर्म को हम लोग होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो उसका टाइप होना चाहिए दैट इज इक्वल टू A1x, जो दिख रहा होगा। बस एक कंडीशन है वेयर A1 बाय A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। अब देखो ये कंडीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों है, इसके लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन प्रेफर रेफर करूँ जो दिखाना है, जो वेरिएबल से वेरिएबल का रिड्यूसिबल फॉर्म बताया था मैंने, जिसमें 2x + 3y वाला था जो क्वेश्चन पूछा था उसमें। देखो जो किसी ने पूछा भी था क्वेश्चन। अब देखो अगर इसे कंपेयर करो ना तो थोड़ा इसी टाइप का, देखो A1 2 हो गया, B1 3 हो गया, C1 -1, A2 4, B2 6 और C2 -5। तो उसने देखो ये है, लेकिन हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने किस में किया था, वेरिएबल सेपरेबल में किया था। इसको हमें होमोजेनियस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो वो ये नहीं है। अब यहाँ देखो ये है 2/4 और ये 3/6, देखो दोनों इक्वल है, देखो ना A1 / A2, B1 / B2 दोनों इक्वल हो गए। ये इक्वल होने का मतलब होता है कि वो टर्म उसमें रिपीट होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। तो जब टर्म रिपीट हो गया तो वेरिएबल सेपरेबल में आ गया, वो होमोजेनियस में रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो ना। तो होमोजेनियस में कन्वर्ट होने के लिए मतलब फॉर्मेट नहीं है, देखो देखने में ही लग रहा है सेम ही है यार, ये जैसा लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन यही एक डिफरेंट डिफरेंस है। वो मेन पार्ट यही है कि इनके कोरस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट्स का रेशियो होगा वो आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर इक्वल हो गया तो डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा, यानी इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, 2x + 3y = क्या मान लिया, 3 मान लेंगे, यही सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म इसमें रिपीट हो रहा है, जब इसमें टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होगा तभी उसको हम होमोजेनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर रिपीट हो गया तो होमोजेनियस में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली किस फॉर्मेट में है, वेरिएबल सेपरेबल में। तो वेरिएबल सेपरेबल यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, समझ गए ना। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। ठीक है, अब देखो इसको करते कैसे। देखो होमोजेनियस में मैंने बताया था, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कि किसी भी इक्वेशन को होमोजेनियस में कन्वर्ट तभी करेंगे जब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या हो, हर एक टर्म का डिग्री सेम हो और न्यूमरेटर का मतलब ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम हो। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है, लेकिन इसका डिग्री क्या होगा, कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कहने का मतलब है न्यूमरेटर में जो टर्म है ये वाले, ये अपने आप होमोजेनियस में नहीं है, सेम इसके लिए भी है। यानी अभी जो गिवन फॉर्मेट है, जो गिवन टाइप का क्वेश्चन है, वो किस फॉर्म में नहीं है,
होमोजेनस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हर एक टर्म का डिग्री सेम नहीं है, इसे जो होमोजेनस में ये नहीं है। तो थोड़ा ध्यान समझना, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, तो थोड़ा ध्यान समझना केसेस के साथ। तो अभी ये होमोजेनस में नहीं है, लेकिन हमें होमोजेनस में कन्वर्ट करना है, समझ रहे हो ना? अब देखो कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, अभी एक बार समझ लो फिर मैं होमोजेनस में कन्वर्ट करने के लिए तरीका क्या हम ट्राई करते हैं। यहां क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू कैपिटल x प्लस एच और y इक्वल टू कैपिटल y प्लस k। मैंने क्या माना कि स्मॉल x, मान ले पूरे में स्मॉल x और स्मॉल y रिप्रेजेंट हो रहा, तो स्मॉल x को मैंने कैपिटल x प्लस h से रिप्लेस कर दिया। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। और स्मॉल y कैपिटल y प्लस k से मान लिया, बस ये ध्यान रखना h और k क्या है, कांस्टेंट नंबर है। h और क्या है, कांस्टेंट नंबर 2 3 4 इसी टाइप का कोई नंबर होगा। अब देखो इसको मानने के बाद अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये dx हो जाएगा और ये भी dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, जीरो। एच और के क्या माना, एच और के कांस्टेंट माना। यहां भी देखोगे तो ये dy, ये क्या हो जाएगा dy, d ऑफ k क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो इन दोनों से अगर तुम dy / dx निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अभी भी dy / dx ही रहेगा। फर्क क्या हुआ कि ये स्मॉल dy / स्मॉल dx था और ये कैपिटल y और कैपिटल x में कन्वर्ट हो गया। एक इसमें एडवांटेज पहला ये हुआ कि जहां पर dy / dx पहले स्मॉल के रिस्पेक्ट में था, अगर इस तरीके से चीजों को हम रिप्लेस करें तो वो स्मॉल dy / कैपिटल dy / dx में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं होंगे विद रिस्पेक्ट टू अगर d की बात करें तो। ठीक है, एक पहला काम हो गया। ठीक है, पहले देख लो, समझ लो, फिर लिखना। अब पूरे क्वेश्चन को और कैपिटल y कैपिटल x में चेंज करो तो जहां जहां स्मॉल एक्स है वहां पर कैपिटल एक्स आ जाएगा, ए वन देखो देखो समझो, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि हाँ पहले क्या था भाई, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन था वो ऊपर भी लिनियर था नीचे भी लिनियर था, तो ऊपर लिनियर नीचे लिनियर था, तो अभी तो होमोजेनस फॉर्म में नहीं था। होमोजेनस में फॉर्म में इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री डिफरेंट डिफरेंट है, या और हर एक टर्म का डिग्री भी अलग है। जबकि होमोजेनस में क्या होना चाहिए, या तो y / x रिपीट होना चाहिए या हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, तो दोनों में से कोई नहीं है। तो हमें क्या कर रहे हैं, हमें इसको होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो होमोजेनस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने स्टार्ट कहां से किया कि मैंने स्मॉल x को कैपिटल x प्लस h से रिप्लेस कर दिया, जहां पर h और k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई इनफैक्ट नहीं होता, कुछ फिक्स नंबर ही होते हैं। और वो नंबर कैसे निकलता है वो आगे बताता हूं। मतलब अभी ये समझो
कि एच और के कैसे नंबर है, एच और के कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब जैसे एच और के को रिप्लेस करोगे तो वहां से एक फर्क नहीं पड़ा कि जो स्मॉल डीवाई बाई डीएक्स था वही कैपिटल डीवाई बाई डीएक्स में आ गया, तो वहां तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वहां जो था वो एज इट इज रह गया, ठीक है। तो पूरे इक्वेशन में स्मॉल डीवाई के जगह पर कैपिटल डीवाई बाई डीएक्स आ गया, जहां स्मॉल एक्स था वहां कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के आ गया, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये x वाला ही टर्म हो गया और ये कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को अलग कर दिया और फिर x y और कांस्टेंट हो गया। मैंने यहां पे एक रफ लिख रखा। अब ये सोचो इस तरीके से कि मान लो कुछ हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई a1 a b1 और c1 ये तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, सेम a2 b2 c2 है और h और k भी कांस्टेंट है। तो मैंने क्या किया, रफ में ये दो जो इक्वेशन बनेंगे ना इन दोनों इक्वेशन को जीरो कर दिया। समझो कि हम कुछ देर के लिए क्वेश्चंस को हमने रोक के कुछ और काम कर रहे हैं, बस यही समझो कि हम लोग कुछ फालतू का काम कर रहे हैं वो रफ में कर रहे हैं, उसको इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब हमारे पास एक जो दो इक्वेशन आया ना दोनों इक्वेशन को मैंने जीरो पुट कर दिया, जीरो पुट करोगे तो एच और के में दो इक्वेशन बन जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करोगे तो एच और के का वैल्यू आएगा। मान लो सपोज करो कि तुमने इसको सोल्व करा है और एच टू आ गया और k मान लिया माइनस थ्री आ गया, कुछ ना कुछ तो आएगा दो इक्वेशन को। तो मान लिया कुछ तरीके लिए कि हमने इस इक्वेशन को सोल्व करा, सोल्व करने के बाद एच टू और k माइनस थ्री आ गया, आ गया। अब एक काम करो, जो मैंने यहां से स्टार्ट किया ना मैं यहां से ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं टू और ये माइनस थ्री। एक बार बताओ मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, जो मर्जी लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर x को कैपिटल x प्लस टू से रिप्लेस किया तो यहाँ अभी भी यही रहेगा, ये अभी भी यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ टू आ गया, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ टू और माइनस थ्री। देखो अब यहाँ जो नंबर बना ना, अब इसमें एच टू आ गया और के माइनस थ्री आ गया। अब सोच के बताओ कि एच टू और के माइनस थ्री हमने कैसे निकाला है, इसी इक्वेशन को सोल्व करके तो निकाला है। तो जो नंबर आया है वो ऑटोमेटिकली एट h इक्वल टू 2 और k इक्वल टू माइनस 3 इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उल्टा काम कर रहा है, समझो कि भाई हमें पहले पता नहीं था कि हम क्या माने, हमें पहले पता मेन हमें क्या करना है, होमोजेनियस में कन्वर्ट करना है। होमोजेनियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म दोनों क्या होना चाहिए, गायब होना चाहिए। अगर किसी तरीके से ये कांस्टेंट टर्म को गायब कर दे तो अपना होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये थोड़े सी1 सी2 को जीरो कर दोगे, वो तो नहीं कर सकते। तो उसको गायब करने के लिए हम ये पूरा का पूरा फंडा अप्लाई करते हैं कि भाई मैंने क्या करा कि शुरू में मुझे पता नहीं था क्या नंबर था, तो मैंने जनरल नंबर एच और के मान लिया। एच और के मानने के बाद ये दो इक्वेशन बना ना, अब इसको रफ में सोल्व कर लिया हमने, तो रफ में इनको जीरो करने के बाद जब हमने सोल्व किया तो मालूम चला एच टू आ गया और के माइनस थ्री आ गया। तो अब इस तरह के समझो कि हमारे पास एक साइन है, ये सारे इनको मिटा दिया हमने, हमने स्टार्टिंग कहां से किया एच टू से और एच थ्री से। अब जैसे इस तरीके से स्टार्ट करोगे तो ये 2 और माइनस 3 इसी इक्वेशन से रुक गए ना, तो जो आप ये टर्म आया होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो ही होगा, होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, तो इन्हीं इक्वेशन को जीरो मान के आपने क्या निकाला एच टू और के माइनस 3, तो वही ये बच गया, तो ऑटोमेटिकली किसमें आ गया होमोजेनियस। थोड़ा उल्टा काम होता है इसलिए थोड़ी सी ग्रास्पिंग में थोड़ी इसमें डाउट भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है थोड़ा कि ऐसा कैसे कर लिया आपने, तो कर के लिए हम तो मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, अपने मर्जी है, पूरे इंटीग्रेशन में कहीं मानते रहते हैं कुछ भी, लेकिन कुछ भी मानने का मतलब वो मानो जिसे अपना काम बने। अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को, तुम लोगों को किसी को डाउट नहीं है? है थोड़ा अजीब है, अब यहाँ तुम टू मत मान लेना, यहाँ तो ये चीज है, यहाँ तो टू मत मान लो, टू तो मैंने
वहां एच और के दूरी है, क्या? हाँ देखो अब ये हो गया ना, अब इसको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो होमोजेनस फॉर्म ही है, वही है, क्या मान लेंगे y इक्वल टू कैपिटल y इक्वल टू u इनटू कैपिटल x, ये मान के सोल्व करो, तो सोल्व करोगे तो जब अपना सॉल्यूशन आएगा वो कैपिटल y एंड कैपिटल x के रिस्पेक्ट में आएगा ना, लेकिन क्वेश्चन तो स्मॉल x और स्मॉल y में है, तो फाइनली क्या करेंगे, जहां कैपिटल x है अब इसी देखो ना, कैपिटल x को इससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल x इज रिप्लेस बाय स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल y इज रिप्लेस बाय स्मॉल y माइनस k, और h और k क्या निकाला जो तुमने सॉल्व करके निकाला है उसको डाल देना इंटीग्रेशन, आफ्टर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजेनस फॉर्म, ठीक है ना, जो सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कैपिटल y कैपिटल x के रिस्पेक्ट में आएगा, लेकिन सिंस द क्वेश्चन गिवन इन स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल कैपिटल x और कैपिटल y को स्मॉल x में चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज कैसे करेंगे, इसी रिलेशन से, तो जहां कैपिटल x है वहां क्या हो जाएगा, स्मॉल x माइनस h और कैपिटल y की जगह स्मॉल y माइनस k, और h और k को h और k थोड़ी छोड़ सकते हैं, वो तो इन इक्वेशन को सॉल्व करके जो नंबर निकालोगे ना वो उस नंबर से रिप्लेस करोगे, ठीक है, हाँ जी बताओ कोई डाउट किसी को, डाउट है किसी को जल्दी बोलो, आगे बढ़े हम लोग, एक क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, फिर डाउट नहीं रहेगा, थोड़ा अजीब लगता है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि ये सर कैसा हो गया, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें शुरू में एच और के पता नहीं था ना, और एच और के अब इस तरीके से निकाला ही जाता कि इनको जीरो करोगे तभी एच और के आएगा, ठीक है, या तुम पहले सोच लो कि भाई क्या बनेगा, मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ जीरो मान लूंगा फिर यहीं से स्टार्ट करूंगा, तो वो पॉसिबल है कि पहला काम क्या चेक करना है कि वो a1 by a2 और b1 by b2 तो नहीं है, यानी कि क्वेश्चन दिया सॉल्व करना शुरू कर दो, हाँ
ठीक है, एक्स वाई के अलावा जो टर्म बचा उसको हमने क्या मान लिया, जीरो मान लिया। कुछ आया किसी का क्या? सोल्व करने के बाद एक्स और ये कितना है, कितना है छोड़ के K11 by 5 ये है क्या? चलो ये बता रहे हैं। ठीक है ये तो, और समझो हमने स्टार्ट ही ऐसे किया है, x को जो था ना हमने ये माना x माइनस 23 बाई 5 और y प्लस 11 बाई 5। अब ये जब करके सोल्व करोगे बताइए, मैं करूं ये तो मैं नहीं कर सकता कि भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसमें सबका ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ये नहीं कर रहा है। अच्छा तुम्हारा कुछ आया है? पहला इक्वेशन था एच माइनस टू के प्लस फाइव, नीचे वाला में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4h प्लस 2k माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सॉल्व करो गायब हुआ 5h प्लस 3 इक्वल टू 0, h इक्वल टू माइनस 3 बाई 5, h माइनस 3 बाई 5 ओके 11 बाई 5 11 बाई 5 सिक्के सही है इसमें। चलो भाई तो h आ गया अपना माइनस 3 बाई 5, k आ गया 11 बाई 5, अभी टर्म गायब हो गया। अब क्या आ गया dy बाई dx इक्वल टू दिस टर्म, सोमवार वही वाई को इवेंट्स मान के
ये तो सेम तो है ना, मतलब साइन चेंज किया आप ये माइनस का था, ये माइनस होता है 5 ही होगा ना, अभी माइनस है ये माइनस आ रहा है ना, माइनस के है ना, माइनस 4 माइनस का माइनस 5 ही तो है ना, ये माइनस 4 ये क्या साइन है, ठीक है। अब ये पूरा यू का इधर एक यू है, इस यू को इधर ले गया हूं, सही है। ये आ गया, इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना, इसके बाद इसको बाद में कर लेना, ठीक है ना, इसके बाद छोड़ दो, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन है, ये तो ln x हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऊपर लिनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, ये हमने टाइप कर रखा है, लिनियर बाय क्वाड्रेटिक तो याद है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। फिर जब सोल्व करोगे ना तो आंसर किसमें आएगा, देखो जो आंसर आएगा इसका वो U है कैपिटल S, फिर जहां जहां U है आंसर U और X रहेगा, दूसरी बार U को कैपिटल Y बाय X से रिप्लेस कर देना, फिर तीसरी बार कि कैपिटल Y को स्मॉल X एंड क्या क्या नाम है k कितना आया था 11 by 5 and s का कितना बता लो 11 by 5 और 3 minus 3 by 5 ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे ना तो तब u और x में आएगा, u को हमने क्या माना था, u को हमने क्या माना, u अपने y by x है, तो u के जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे y by x, तो यहाँ पर सारे के सारे जो आंसर के पार्ट में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएगा, और फिर कैपिटल एक्स को किस तरह से सॉल्व, जो कैपिटल वाई होगा कैपिटल वाई किस तरह से रिप्लेस करते हैं, स्मॉल वाई माइनस के, के निकाल चुके, के कितना आता है 11 बाई 5, तो के 11 बाई 5 हो गया, और कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स प्लस 3 बाई 5 ठीक है, कर लेना इसके बाद छोड़ दो, ठीक है ना, इतना टाइम ही है, इंटीग्रेशन है वो कर सकते हो आराम से। अब सेकंड क्वेश्चन एक बार कर लो, मतलब सेकंड क्वेश्चन यहाँ तक कर लो, तो यहाँ के बाद तो इंटीग्रेशन है वो आराम से हो जाएगा। तो डाउट तो नहीं है किसी को,
कोई डाउट किसी को? चलो ठीक है, नहीं ठीक है ना, इसके बाद कर लेना। अब एक बार सेकंड क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहां तक मेन पार्ट है, यहां तक कर लोगे तो कम से कम क्वेश्चन करना आ जाएगा ना भाई कैसे करते हैं। फिर उसके बाद तो इंटीग्रेशन वाला ही है। सॉल्व करने के बाद एच और के की वैल्यू बताना जिसका आ जाए, एच और के की वैल्यू देखो ये आ रहा क्या? देखो इक्वेशन जो बनेगा 2h माइनस के प्लस 10 और 6h माइनस 5k प्लस 4 ये मानोगे और इसको फिर वापस इस इक्वेशन में डालोगे तो इसमें डालने के बाद जो कांस्टेंट टर्म जिसको मैं जीरो करना है वो यही आएगा। अब ये सोल्व करने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। तो इक्वेशन बनेगा अपना dy by dx 2x
ये इक्वेशन बनेगा। वो तुम डायरेक्टली सोच सकते हो ना, देखो कैसे सोचना है कि यहाँ पर x प्लस एच आएगा, यहाँ पर y प्लस k आएगा, फिर यहाँ पर x प्लस k आएगा, यहाँ y x प्लस h आएगा, यहाँ y प्लस k आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2h हो जाएगा और माइनस k हो जाएगा प्लस मान जाएगा, तो 2h माइनस k प्लस 1, 2h माइनस k प्लस 1, दूसरा 6h माइनस 5k प्लस 4, 6h माइनस 5k प्लस 4, उन दोनों को जीरो पर ऑटोमेटिकली अपने आप ही सॉल्व करो आ जाएगा। ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है इक्वेशन में, यही बनेगा। अरे सो गए क्या तुम लोग, घर में ही प्रॉब्लम है। एच वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर नहीं आ रहा है, आदित्य का भी सेम आया माइनस वन बाई फोर, ओके हाफ। अच्छा जस्ट आ गया माइनस वन बाई फोर, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया ना, उसके बाद तो कहानी खत्म हो गई भाई। अब तो पूरा वेरिएबल से क्या नाम है होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना ये करते ही। अब इसके काम, इसके बाद का काम क्या, इसके बाद का काम वही है वाई इक्वल टू यू एक्स, इसके बाद वही वाई इक्वल टू यू एक्स, ये मान लोगे, मानने के बाद क्या हो जाएगा u प्लस x du by dx इक्वल टू 2x माइनस, जहां जहां y है y को किसे रिप्लेस कर देंगे u x से, हो गया सोल्व करो बस वही है, उसके बाद तो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। और इंटीग्रेशन वही इंटीग्रेशन बचेगा बनेगा, मतलब जो पहले पार्ट में बनेगा बना था। ठीक है, इसके बाद का काम इंटीग्रेशन है, वो कर लेना, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, वो कर लेना इंटीग्रेशन उसमें कुछ। ठीक है चलो अब जाते हैं, इसका एक आखिरी फॉर्म है लीनियर फॉर्म। लिनियर फॉर्म का जो टाइप होता है जिसको हम लोग लिनियर फॉर्म बोलेंगे, दैट इज इक्वल टू dy / dx प्लस y टाइम्स, मतलब यहां पर y ही होगा, केवल y, यानी कि 1 / y या y स्क्वायर या y क्यूब वो नहीं होना चाहिए, केवल केवल y का अगर टर्म होगा तो अकेला y होगा, टर्म होगा नहीं, होना ही चाहिए, ठीक है ना। लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए जरूरी है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हो एग्जैक्टली इसी टाइप का हो, यानी dy / dx प्लस y का टर्म अकेला y के फॉर्म में होगा मल्टीप्लाइड बाय जो भी x का टर्म होगा ना, उस फंक्शन को हम लोग क्या मान लिए, fx मान लिए, ठीक है।
इक्वल टू इधर का जो टर्म होगा वो हमेशा और कंप्लीटली किसका होगा, एक्स का ही होगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, देखो ऐसा होगा dy / dx + y * ln x, मान लो कुछ भी यहां, और ये मान लिया x / 2 कुछ मान। देखो ये फॉर्मेट है, ऐसे हो सकता है dy / dx - y * sin x इक्वल टू e की पावर x इनटू x, ये भी हो सकता है। अब देखो माइनस y का मतलब क्या होता है, माइनस y का मतलब ऐसा हो गया प्लस y और माइनस इसके पास, ठीक है ना। मतलब यहां पर y के अलावा जो भी टर्म होगा दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ fx, और इधर जो भी फंक्शन होगा उसको हमने क्या मान लिया, gx मान लिया। मान लो कोई ऐसा है dy / dx प्लस y * 2 इक्वल टू 4x, मान लो ऐसा, तो y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो इसको क्या मान लेंगे, fx मान लेंगे। अरे fx का मतलब ये हुआ कि y के अलावा जो भी नंबर जिस फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में हो उन कंप्लीट फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, fx बोलेंगे, ठीक है ना। r जैसे में जो भी नंबर हो वो चाहे कांस्टेंट, जैसे मान लो यहां पर ऐसा होता 2x होता और यहां केवल 4 होता, तो 4 को क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, ठीक है। मतलब ये हो गया कि y तो रहेगा, y के अलावा जो भी टर्म है दैट पूरे के पूरे कंप्लीट टर्म इज जो है उसको एज fx मानेंगे, r जिस में जो भी फंक्शन है उसको क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे। आई थिंक उसका थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर सकते हो, देख लो एक बार फिर लिख लेना। लीनियर फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, एक इसमें अलग से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे, देखो निकालते कैसे, जो आईएफ होता है आईएफ को निकालने का तरीका होता है ई की पावर में इंटीग्रेशन fx dx, यानी इसका ये मतलब हुआ कि जो y का कोफिशिएंट समझो, यानी y के अलावा जो भी कंप्लीट फंक्शन होगा ना उस कंप्लीट फंक्शन को e की पावर में डाल के इंटीग्रेट करो। क्यों करते हैं, उसका एक एडवांटेज होता है, उसका फायदा होता है। वो कुछ भी हम क्यों मानते हैं, हमारा मानने का मेन मोटिव क्या होता है, ये होता है मेन मोटिव कि किसी तरीके से क्वेश्चन क्या हो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट होगा क्वेश्चंस को आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये जो भी काम करते हैं ना, चाहे होमोजेनियस फॉर्म में कर रहा हो या रिड्यूसिबल टू लीनियर, क्या ना वेरिएबल सेपरेबल किया था वहां भी किया हो या फिर लीनियर फॉर्म में हो, ये हम जो भी काम करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि क्वेश्चंस को क्या करें, हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करें। तो ये मेन फंडा वही है, ठीक है। हम इसलिए काम कर रहे हैं जिससे कि जो फॉर्मेट दिया है ना वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने का तरीका क्या है, e raised to the power y का जो भी कोफिशिएंट होगा उस पूरे को क्या करेंगे, e की पावर में इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहां पर हमने if को क्या करा, डिफाइन कर दिया। अब देखो अब क्या करो, पूरे इक्वेशन में if को मल्टीप्लाई करो, पूरे जो इक्वेशन है देखो, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन में हमने क्या करा, आईएफ से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो आईएफ से मल्टीप्लाई करने का फायदा, देखो क्या फायदा होता है, जो एलएचएस है ना ये ध्यान से देखोगे ना, डीवाई बाय डीएक्स वाई ये जो ये तुमने लिख रखा ना, ये इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल लिखा हुआ। देखो मैं दिखाता हूं, ये अपना देखो, इसको यू मान लो, इसको वी मान लो, तो क्या कर रहे हैं,
डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको डिफरेंशिएट करना है। तो प्रोडक्ट का डिफरेंशियल क्या होता है, यही तो होता है यू का डिफरेंशियल इंटू वी प्लस यू इंटू वी का डिफरेंशियल, ये तो क्या काम। अब बता यू क्या है, यू आई है, तो वाई का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डीवाई बाई डी एक्स। देखो वही लिखा हुआ डीवाई बाई डी एक्स इंटू वी है, यानी सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई हो गया प्लस अब u as it is, यानी y as it is multiply हुआ into derivative of second function। अब एक बताओ e की पावर कुछ भी रहे, e की पावर कुछ भी रहे, e की पावर के कुछ भी का differential हमेशा क्या होता है, as it is ही आता है। बस इसके बाद further क्या करते हैं, इसको differentiate करते हैं, change rule होगा ना भाई, e की पावर का e की आ गया, फिर power का differentiate करेंगे, change rule चलता जाएगा। तो जब second function को differentiate करोगे तो e का differential तो खुद e वाला term आ गया into derivative of its exponent। अब इसके एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएट करना है, तो देखो कोई इंटीग्रेशन है और उसको डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे तो f(x) नीचे आ जाएगा। ये तो हमने लेबनीज़ थ्योरम में बताया था मैंने एक बार, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होते हैं, इंटीग्रेट करोगे और उसको डिफरेंशिएट कर दो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। तो अगर f(x) को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, f(x) आ जाएगा। यानी जो LHS में लिख रखा है पूरा का पूरा पार्ट दैट इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ y into IF उसके फॉर्म, समझ गए। तो IF से मल्टीप्लाई करने का मेन फंडा ये था कि LHS के पार्ट को क्या करें, हम एक किसी इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं, हमारे पास ये आ गया d by dx of y into IF इक्वल टू ये क्या है gx into IF। अब dx को इधर लेके जाओ, अब एक बताओ if भी किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में। if किसका है, जो if है उसमें पूरा x का ही तो फंक्शन है, तो जो RHS का फंक्शन हुआ ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन किसका हो गया, x का हो गया। तो अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो, एन इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y into if equal to gx if into ये इसको पता नहीं, इसको हम सॉल्व कर देंगे, समझ गए। कोई डाउट किसी को, चलो नोट कर लो।
हो गया, नोट कर लिया। नोट कर लिया तुम लोगों ने? ठीक, एक मिनट होल्ड करो। अभी लिखना होता है इसको। देखो एक जो तुमने किया वो कर लिया, कभी कभी क्या होता है इसका टाइप टू लिख लो, ठीक है ना? मतलब इधर बताता हूं, ये देखो इसमें चेंज हो गया। क्या हो गया? X और Y का जो पोजीशन था ना वो चेंज हो गया। जो काम पहले X का था वो Y करने लगा, जो Y का था वो X करने लगा। देखो देख रहा है, वहां dy / dx था, यहां y था, यहां fx था, यहां gy gx था, ये था। क्वेश्चन क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि अगर y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्वियस बात है कि एक्स के रिस्पेक्ट में ही होते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन करेंगे देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एक्स के रिस्पेक्ट में ना करके वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो सॉल्व होगा, तब वो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो उसका फॉर्मेट टाइप है वो इस फॉर्मेट में दिखेगा, इसलिए इसको टाइप टू बोल दिया। वो टाइप अपना वन कर लेना वहां पे, ठीक है ना? सेम वही बात है, यहाँ की वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब जो पोजीशन हो या रोल जो समझो, एक्स का रोल वाई करने लगा, वाई का रोल वाई एक्स करने लगा, बस वही चेंज हो गया। बस
ये समझ गए ना, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो अब क्वेश्चन लिखा दो, एक कम से कम करो अभी। अब देखो पहले में क्या करेंगे, पहले कॉसेस कॉस डिवाइड कर देंगे, ऐसे तो होता है कॉसेस कॉस डिवाइड करो तो साथ कुछ हो सकता है। कॉसेस कॉस डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा डीवाई बाय डीएक्स सेक स्क्वायर एक्स इनटू वाई ये है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो क्या आएगा, e की पावर पे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, y का कोएफिशिएंट क्या है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x dx हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होगा sec का, फाइनल है ना, फाइनल। तो ये अपना इंटीग्रेटिंग कर लेंगे। अब याद रखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखो, हालांकि दो लाइन का ये करोगे तब भी दो लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे, बाकी तो है ही वही। जो सॉल्यूशन आएगा क्या है, वो आ जाएगा y into integrating factor, यानी y into tan x equal to e की power tan x into sec square x। ये तो होगा, यानी क्या था y into integrating factor, multiply करके करोगे तभी यही आएगा। एक line extra लिखना पड़ेगा, पहले e की power tan x से पूरे multiply कर दो, क्या हो जाएगा d by dx of y into e की power tan x, इंटीग्रेट करोगे तो वापस अगला लाइन ये लिखना पड़ेगा। यानी क्या था सॉल्यूशन, y into if equal to if और ये पूरा RHS का टर्म, तो इंटीग्रेट करते हैं। अब ये तो ऑलरेडी हो गया, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये दिख रहा है तुम्हें, इसको इंटीग्रेट कैसे करें, इसमें क्या करें, tan x को t मान लो, tan x को t मानेंगे क्या होगा, sec square x dx equal to dt दिया गया, वो तो क्या ही है, क्या होगा इंटीग्रेशन e की पावर t हो जाएगा ना। तो इसके बाद में आप दो बस हो गए भाई, ये तो एलिटर यही रहा ना, y into tan x था तो ये असर। अब ये क्या प्रोडक्ट रूल लगा दें, e into v, ये अपना फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यानी क्या हुआ इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन सेम आएगा, यानी हो जाएगा e की पावर t माइनस अगेन e की पावर t प्लस c भी आ गया। अब t को क्या माना, tan तो इसमें से तो कॉमन आ गया, t को tan मान लिया, तो tan x माइनस 1 इंटू e की पावर tan x प्लस c पूरे से tan, पूरे से एक ही पावर डायरेक्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है, यहां से y क्या आएगा, y इक्वल टू tan x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया प्लस c मल्टीप्लाइड बाय e रेस्ट टू द पावर माइनस tan x। दिस इज आवर कंप्लीट आंसर।
तो मल्टीप्लाई करना भाई, तो बता रखा है मल्टीप्लाई करना, जो भी तेरा आईएफ आएगा, आईएफ सब पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहां भी इक्विवेलेंट डायरेक्ट आएगा, यहां भी पेज पर जा मतलब सो सो कहां से उठ गया टाइप होने था ना हैं आईएफ कहां है ये देखना है, इसे मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर फाइनल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये भी क्या y टू y इक्वल टू gx, gx तो था वो उधर वाला, तो ये तो पूरा gx तो है, तो ये रहेगा वो gx तो रहेगा हैं, हां वो तो ऑलरेडी यहीं पर है, वो तो ऊपर है, मैंने थोड़ा लिखा है ऑलरेडी था हां, और if को मल्टीप्लाई तो करेगा ना पूरे में, इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा तभी तो if इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, इसे लिंक करो वही तो है, ये gx क्या है, gx अपना ये पूरा फंक्शन है, if को भी लिख रखा है, if क्या निकाला तुमने, यही तो निकाला है, वही तो निकाला है gx into y, यार तुम पूरे समझ में ही कर करो या फिर उस तरह से करो, मर्जी सेम है, ठीक है, और डाउट किसी को, नहीं है ना, चलो एक मैंने लिख दिया है उसको कर लेना, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा उसको, ठीक है, ओके चलो थैंक यू।